आज हम 21st पॉइंट डिस्कस करेंगे, 21वां पॉइंट के आपकी जॉब क्या खतरे में है या नहीं। तो 21st पॉइंट मैंने पहले दो लेक्चर्स में, दो सेशंस में 10-10 पॉइंट्स कवर किए थे कि मे बी यू आर गोइंग टू लूज योर जॉब, तो व्हाट आर द साइंस एंड व्हाट आर द सिंबल्स कि आपको ऑफिस में जो जिसको कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, नविष्टाए दीवार। तो आज 21वां पॉइंट मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूं। कंपनीज में कम्युनिकेशन चल रही है, ऊपर नीचे कम्युनिकेशन चल रही है, और आप उस कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। आप उन ईमेल्स का और उन मेमोज का हिस्सा नहीं रहे, आपको सीसी कोई नहीं कर रहा। सी फॉर एग्जाम्पल, यू आर हेड ऑफ सेल्स या यू आर हेड ऑफ मार्केटिंग, और सीईओ की तरफ से कोई मेमो आता है या कोई ईमेल निकलती है जिसमें 15 बंदों को वो ईमेल भेजी गई है, बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ईमेल। तो समझ लें, समथिंग इज रॉन्ग विद योर जॉब। तो अब आपको अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऑन करने होंगे। 22nd पॉइंट, आपका बॉस, ये अब दिन करीब आते जा रहे हैं, अब आपको किसी वक्त भी बुलाया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप आई थिंक यू कैन फाइंड अ बेटर जॉब आउटसाइड। तो अब आपका बॉस आपको बुलाएगा और वो कहेगा कि यार फला कॉफी शॉप में आज हम शाम को मिलते हैं, या इवन वो आपको अपने घर पे भी बुला सकता है। और वहां पे चूंकि वो ऑफिस सेटिंग नहीं होगी, तो वहां पे आपके साथ वो जो प्राइवेट डिस्कशन करेगा, प्राइवेट मीटिंग करेगा, वो बेसिकली आपको हिंट्स दे रहा होगा कि यार मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं बचा पाया। तो सिचुएशन बहुत खराब है। आप ऐसा करो कि फौरी तौर पे कोई अपना एग्जिट प्लान प्लान करो। तो समझ लें कि अब आपको सिर्फ आखिरी महीना है, तो अब आपने कंपनी को नोटिस देना है। इस सिचुएशन के कोई 10-15 दिन बाद आपको दोबारा बुला लिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि वो आपने क्या सोचा, काइंडली आप देख ले, मैं ऊपर बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, तो आप कहीं पे जॉब सर्च कर ले। 23rd पॉइंट, आपका जो सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट आपके बॉस के साथ बड़ी लेंथी मीटिंग्स कर रहे हैं। बंद कमरों में मीटिंग्स हो रही हैं, लेंथी मीटिंग्स हो रही हैं, और आपका जो सबॉर्डिनेट है जिसको चार्ज मिलना है, तो यूं समझ लें कि अब आपके दिन कम है। अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, ये एक एडिशनल पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हो सकता है कि कंपनी ने आपके लेवल का एक बंदा वैसे ही बाहर से हायर कर लिया हो और आजकल वो सिर्फ ओरिएंटेशन लेता फिर रहा हो, और उसकी एक्सटेंसिव मीटिंग्स हो आपके सबॉर्डिनेट के साथ और बॉस के साथ, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाकर वो ओरिएंटेशन ले रहा हो। तो समझ लें कि आपका जॉब चंद हफ्तों का, 1 महीने का, 1.5 महीने का मेहमान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 24th पॉइंट, कंपनीज में ट्रेनिंग्स भी होती हैं, सेमिनार्स पे भी लोगों को भेजा जाता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे भी नॉमिनेट किया जाता है। आपको अब नॉमिनेट नहीं किया जा रहा। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स, इंपॉर्टेंट सेमिनार्स जिसमें पहले आपकी नुमाइंदगी हुआ करती थी, बट अब आपको नॉमिनेट नहीं किया जा रहा, बल्कि आपके जो पीयर्स हैं और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, आपको अभी अवॉइड किया जा रहा है। तो समझ लें, समथिंग इज रॉन्ग एंड समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, और आपका जॉब जो है चंद हफ्तों का मेहमान है। दोस्तों लास्ट पॉइंट, 25th पॉइंट, कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होना है, मे बी कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, मे बी कंपनी की कोई डिपार्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, मे बी आपके डिपार्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, एक कमेटी बनती है एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कमेटी। दोस्तों तो आप समझ लें कि आपका जॉब इज एट स्टेक, क्योंकि आप उस कोर कमेटी के मेंबर नहीं रहे। कंपनीज में
ऑपरेशनल कमेटीज होती हैं, प्लानिंग कमेटीज होती हैं, सीनियर लेवल की कमेटीज होती हैं, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस वहां पे एसओपी डिस्कस होते हैं और पॉलिसीज बनती हैं, आप उन कमेटीज का हिस्सा नहीं है। तो ये इस तरीके से हमारे जनाब 25 पॉइंट्स कवर हो गए।